हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर सहा आप सभी को हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी को शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 12 ट्वेल्थ का जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 10 तक को आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। हम लोग उसी को चैप्टर 7 से बढ़िया से शुरू करेंगे। आप लोग मेरे चैनल में लगातार बने रहिए। इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स को लगातार पढ़ते रहिए। पहले वीडियो देखिए, समझिए, कोई टॉपिक है, कोई घटना है तो उसको बढ़िया से समझिए और उसका नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी शुरू करेंगे आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर 7 से एकदम टॉपिक बाय टॉपिक, न्यूमेरिकल, कोई भी घटना, कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत, उसको बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 7 में है प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा और इसका जो नोट्स होगा वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 7 क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव पहले होता क्या है ये समझना पड़ेगा। तो बोलता है कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु प्लेट के पृष्ठ पर आपतित होता है तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक धातु में, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। तो जब आपतित प्रकाश किसी धातु पृष्ठ यानी धातु प्लेट के पृष्ठ पर पड़ता है तो धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने धातु पृष्ठ के अवरोध को पार करने लगता है। यानी उस धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या समझ में आया? प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? बोलता है जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु प्लेट के पृष्ठ पर आपतित होता है तो प्रत्येक धातु में, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करता है तो वह मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और अपने धातु पृष्ठ के अवरोध को पार करने लग जाता है, पार कर जाता है, जिससे क्या होता है उस धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर होने लगता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की इस घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बोलता है कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, जो उत्सर्जित हुआ, उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रकाश आपतित होने के चलते धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ, इसलिए उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे और इससे उत्पन्न धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है समझिए। जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु प्लेट के पृष्ठ पर पड़ता है तो धातु में, कोई चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। इसके अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो प्रत्येक धातु या चालक में रहता है। ठीक है, जैसे ही आपतित प्रकाश धातु पृष्ठ पर पड़ता है वैसे ही धातु या चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और इस धातु
प्लेट के पृष्ठ के अवरोध को पार करने लग जाता है, जिससे धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। देखिए उत्सर्जन हो रहा है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी अपतित प्रकाश पड़ने के चलते धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो होने लगता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन हो रहा है तो उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, और इससे जो धारा उत्पन्न होगा उस धारा का नाम होगा प्रकाश विद्युत धारा, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वह आपतित प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर पड़ने से हो रहा है ना, इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन हिंदी में, और इससे उत्पन्न धारा का नाम हो जाएगा प्रकाश विद्युत धारा। तो अब कोई पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो उसको सिंपल भाषा में बोलिएगा कि जब हाई लेवल यानी उच्च स्तर आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन उस आपतित प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, जिससे वह धातु पृष्ठ के अवरोध को पार करने लगता है, मतलब उस धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चलिए। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक होगा कि कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, आगे हमारा टॉपिक है कार्यफलन, ठीक है, यानी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसका संकेत होता है फाई। अब कार्यफलन क्या है समझिए, बोलता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु के पृष्ठ को धातु के सतह को छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है, और इसे हम फाई से डिनोट करते हैं कार्यफलन को, वर्क फंक्शन को। तो कार्यफलन क्या है, आप देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु पृष्ठ को छोड़ रहा है, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए या मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, उसी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा का नाम है कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन। यानी कार्यफलन वर्क फंक्शन को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा, बोलिएगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ को छोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए उसको जिस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा का जरूरत पड़ता है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। यानी उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन क्या है, उस धातु पृष्ठ का कार्यफलन वह चीज है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धातु पृष्ठ को छोड़ने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसे हम फाइ द्वारा डिनोट करते हैं, क्योंकि कार्यफलन एक न्यूनतम ऊर्जा है इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। तो कार्यफलन का संकेत होता है फाई और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने में जो ऊर्जा लगता है उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल होता है। ठीक है, क्या बोले,
कार्यफलन का जो संकेत होता है वह फाई होता है और कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, यानी कार्यफलन का जो मात्रक होता है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने में प्रदान की गई ऊर्जा होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻¹⁹ जूल होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लास्ट में जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, देखिए लिख देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू एक वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने में जो ऊर्जा प्रदान करना पड़ता है उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम और एक वोल्ट में होता है एक जूल प्रति एक कूलम। ठीक है, तो कूलम कूलम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच गया आपका 1.6×10⁻¹⁹ जूल, इसलिए बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6×10⁻¹⁹ जूल होता है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि कार्यफलन का संकेत फाई और इसको मापेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आगे देखिए, आगे है देहली आवृत्ति। ठीक है, आगे मेरा टॉपिक क्या है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का संकेत होता है न्यू नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं न्यू। ठीक है, और क्या है नॉट है। चलिए, तो देहली आवृत्ति क्या होता है देखते हैं। देहली आवृत्ति का संकेत होता है न्यू नॉट, समझिए इसको। बोलता है आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके उसे उस धातु पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहा जाता है। क्या बोला, आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, उसे उस पृष्ठ की, उस धातु पृष्ठ की देहली आवृत्ति कहा जाता है। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट द्वारा डिनोट किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, देहली आवृत्ति क्या चीज है, आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके उसे उस धातु पृष्ठ का देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसका संकेत न्यू नॉट होता है। आगे हमारा टॉपिक है देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसका सिंबल होता है लैम्डा नॉट। चूंकि आवृत्ति का होता है न्यू, लगाया है देहली आवृत्ति तो हो गया न्यू नॉट। तरंग दैर्ध्य का होता है लैम्डा, देहली तरंग दैर्ध्य तो लगा देंगे लैम्डा न्यू नॉट। ठीक है, चलिए तो अब देखना है कि देहली तरंग दैर्ध्य है क्या, देहली तरंग दैर्ध्य क्या चीज है, समझिए इसको। बोलता है आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सके उसे उस धातु पृष्ठ का देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है जिसे लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। क्या बोले, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का वह अधिकतम मान जिससे अधिक प्रकाश धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सके उसे उस धातु पृष्ठ का देहली तरंग दैर्ध्य कहा जाता है जिसे हम लोग लैम्डा नॉट से डिनोट करते हैं। यानी कहने का मतलब है धातु के पृष्ठ पर जो प्रकाश आपतित हुआ उसका जितना तरंग दैर्ध्य है, मतलब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का अधिकतम मान जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश
उस धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सके, उसे हम उस धातु पृष्ठ का देहली तरंग देदरीय कहते हैं। यानी जो धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है उसका जो तरंग देदरीय का अधिकतम मान है उससे अधिक तरंग देदरीय का प्रकाश धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सके, उसे हम देहली तरंग देदरीय कहते हैं, उस धातु पृष्ठ का, जिसे लैम्डा नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब दोनों में संबंध देखिए कि देहली आवृत्ति और देहली तरंग देदरीय में क्या संबंध है, समझिए इसको। चूंकि प्रकाश का वेग c होता है और c बराबर होता है लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है, लैम्डा इंटू न्यू होता है, तो यहां पर क्या है, देहली आवृत्ति है और देहली तरंग देदरीय है, मतलब लैम्डा नॉट है और न्यू नॉट है, तो लगा देंगे यहां पर लैम्डा नॉट इंटू न्यू नॉट। हमको तो देहली तरंग देदरीय निकालना है, तो देहली तरंग देदरीय, अच्छा लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा सी बाय न्यू नॉट। इसका मतलब हो गया कि प्रकाश की चाल तो कांस्टेंट है, यहां पर कांस्टेंट राशि है, तो यानी देहली आवृत्ति का मान जितना अधिक होगा देहली तरंग देर का मान उतना कम होगा, देहली आवृत्ति का मान जितना कम होगा देहली तरंग देर का मान उतना ही अधिक होगा, मतलब दोनों अपोजिट होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि सी बराबर लैम्डा न्यू होता है, तो यहां पर देहली आवृत्ति का संकेत न्यू नॉट और देहली तरंग देर का संकेत लैम्डा नॉट, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट इंटू न्यू नॉट। ठीक है, तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा सी बाय न्यू नॉट। इसका मतलब है कि देहली तरंग देदरीय जो होता है वह देहली आवृत्ति का उल्टा होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, मतलब देहली आवृत्ति का मान जितना कम होगा देहली तरंग देदरीय का मान उतना अधिक होगा, और देहली आवृत्ति का मान जितना अधिक होगा देहली तरंग देदरीय का मान उतना ही कम होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें प्रकाश विद्युत प्रभाव, कार्यफलन, देहली आवृत्ति और देहली तरंग देदरीय। अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक का बात करेंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।